पिशावर सुहागपुर से विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण एवं लाडली बहना योजना की स्वीकृति पत्र वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना, जिसका शुभारंभ 10 जून से होना है, इस योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में आज नगर के शास्त्री वार्ड एवं सरदार वार्ड में स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद सुहागपुर द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वहीं शपथ ली गई, जिसमें प्रकृति को संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल न किए जाए, इसके लिए संदेश भी दिए गए। इस दौरान नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, नपा उपाध्यक्ष प्रदीप आकाश रघुवंशी, पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश अहिरवार, पूर्व पार्षद राकेश चौरसिया, पार्षद उइके रवि उइके, विधायक प्रतिनिधि अश्विनी सरोज, जिला कोषाध्यक्ष अभिनव पालीवाल, अंकित कुबरे, नगर परिषद सीएमओ दीपक रनवे, नगर परिषद से संजय परसाई, सूरज पथरिया, विक्की ठाकुर, राजेश कुशवाहा, राजीव शर्मा आदि उपस्थित थे। आपको जो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने चालू की थी, उसकी स्वीकृति पत्र मिले हैं, क्या फायदा है और क्या खुश हैं आप इससे? ये लाडली लक्ष्मी योजना की ये फॉर्म मिल रहे हैं हमें, इसमें थोड़ा खर्चे में काफी फायदा होगा, बच्चों के लिए कुछ भी ले सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, रोक शौक की चीजें ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। नगर परिषद सुहागपुर में हमने देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, वृक्षारोपण भी हुआ है, बहुत सारे कार्यक्रम, तो मैं अध्यक्ष जी आपसे ही जानना चाहूँगा विस्तार से क्या कार्यक्रम है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर परिषद सुहागपुर द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नगर परिषद सुहागपुर द्वारा वृक्षारोपण किया गया एवं सभी लोगों ने शपथ ली कि वे प्रकृति का संरक्षण करें एवं प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो सके। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज शास्त्री वार्ड में लाडली बहना योजना की स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। माननीय विधायक जी के द्वारा सुहागपुर क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए, इन सभी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और योजनाओं को लेकर जानकारी दे रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।